नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको फ्लिपकार्ट बिग बिलियन डेज जो कि 10 अक्टूबर से मतलब कि आज रात के 12 बजे से स्टार्ट होने वाली है उसमें जो है बेस्ट फ़ोन सजेशन देने वाला हूँ। मतलब बेस्ट फ़ोन सेलेक्ट किए हैं आप, अगर आप फ़ोन लेना चाहते हैं बजट में तो आप उन्हें परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि ये फ़ोन जो कि दोस्तों पहले से तो सस्ते थे ही, पर इस सेल में आपको 1000 से लेकर 5000 रुपयों तक ये सस्ते मिल रहे हैं। तो दोस्तों इसमें मैं सबसे पहले आपको बताऊँगा 15000 से नीचे के बजट में बेस्ट स्मार्टफोन्स। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मेरे पास जो मैंने सेलेक्ट किया है उसमें सबसे पहले नंबर पर जगह बनाई है Asus ZENFONE Max Pro M1 ने। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको दिखाने वाला हूं इसके 6GB 64GB वेरिएंट के बारे में, जो कि इसकी इस टाइम रियल कीमत है 14999, मतलब कि आपको 14999 में पड़ेगा अगर इसे विदाउट सेल में ख़रीदते हो। अगर आज इसे सेल में ख़रीदते हो रात को 12 बजे के बाद तो आपको ये 12999 का पड़ेगा, प्लस आपके पास HDFC का बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड है तो आपको 10% और इंस्टेंट बैक मिलेगा, मतलब आपको 11700 रुपये में ये पड़ जाएगा। तो दोस्तों 11700 रुपये के बजट में आपको 6GB 64GB वेरियंट मिल रहा है, वो भी स्नैपड्रैगन 636 के प्रोसेसर के साथ में, और प्लस में फ्रंट में 16 मेगापिक्सल का कैमरा, रियर में 16+5 मेगापिक्सल का डुअल रियर कैमरा, और 5.99 इंचेस की फुल एचडी प्लस डिस्प्ले। तो दोस्तों मेरे हिसाब से ये फ़ोन इस बजट में बहुत बेहतरीन है, इसे टक्कर देने वाला और कोई फ़ोन नहीं है। अब इसकी छोटे जो वेरियंट हैं जैसे कि 3GB 32GB वाला और 4GB 64GB वाला, तो इसमें मैं आपको 4GB 64GB वाले के बारे में बताऊं तो इसमें आपको फ्रंट में 8 मेगापिक्सल का कैमरा मिलेगा और देख सकते हैं आप, और बैक में 13+5 के डुअल रियर कैमरा मिलेंगे। बाकी स्पेसिफिकेशन लगभग सेम है दोस्तों, और अब मैं बैक करके दिखाऊं तो दोस्तों इसकी की जो कीमत है आपको 12999 का नॉर्मल कीमत है और आपको सेल में ये 10999 का पड़ जाएगा। तो दोस्तों 10999 के बाद अगर आप इसमें HDFC का बैंक का कार्ड यूज़ करते हो तो आपको 10% इसमें भी इंस्टेंट कैश मिल जाएगा, कैशबैक मिल जाएगा। अब बात करते हैं सर दोस्तों 3GB और 32GB वेरिएंट की, जो कि इसकी रियल कीमत 10999 है। इसमें आपको सेम वही स्पेसिफिकेशन मिलेंगी जो 4GB 64GB वाले वेरियंट में है, और 5000mAh की बैटरी इसमें भी है, पर ये आपको इस सेल के थ्रू 10000 रुपये का पड़ेगा, 1 रुपये कम, 9999 में। अगर आप इसे भी HDFC के बैंक कार्ड से ख़रीदते हो तो इसमें भी आपको 10% का इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा। Xiaomi Redmi Note 5 Pro इस फ़ोन के बारे में बताने वाला हूँ। अब जो है इसके बारे में बात करें तो ये जो फ़ोन आपको सेल के थ्रू 12999 रुपये में मिल जाएगा, 4GB 64GB वेरियंट। तो दोस्तों इसमें जो है 12+5 मेगापिक्सल का कैमरा, 20 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा। तो दोस्तों अब मैं बात करता हूँ मेरी लिस्ट में तीसरे नंबर पर जगह बनाए हुए फ़ोन नोकिया 5.1 प्लस के बारे में, जो कि अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है। पहले लॉन्च हुआ था नोकिया 5.1, अब लॉन्च हुआ नोकिया 5.1 प्लस और नोकिया 6.1 प्लस। तो दोस्तों अंडर 15000 मतलब 15000 के बजट में मैं आपको इन दोनों के फ़ोन्स के बारे में बताऊँगा। तो दोस्तों मैं पहले बताता हूँ नोकिया 5.1 प्लस के बारे में। इसमें दोस्तों ये 10999 का दिखा रहा है और आपको ये 10499 का मिल जाएगा। अगर इसकी स्पेसिफिकेशन के बारे में बात करूं तो 3GB 32GB रैम रोम, और उसके बाद HD प्लस डिस्प्ले 5.8 इंचेस नॉच वाली डिस्प्ले है इसकी, 3060mAh की बैटरी है, 13.5 का कैमरा है, फ्रंट कैमरा 8 मेगापिक्सल, और नोकिया की ठोस ब्रांडिंग जो कि फेमस है ही है। अब मैं बात करता हूं जो नोकिया ने पहली बार थोड़ा अच्छा काम किया है, नोकिया 6.1 प्लस 15000 के बजट में, जो कि आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। इसमें 10% का कैशबैक लगा के आप ये लिख रहा है क्लियर कि आपको 10% का कैशबैक मिल सकता है, और आपको सेल स्टार्ट होने के बाद क्लियर लिखा हुआ आ जाएगा HDFC के बैंक कार्ड के थ्रू। तो दोस्तों इसमें जो है आपको क्या क्या मिलता है वो मैं बता देता हूँ। इसमें 3 कलर वेरियंट है, ब्लैक, ब्लू एंड वाइट। और दोस्तों इसमें स्पेसिफिकेशन की बात करें तो 16+5 मेगापिक्सल का रियर कैमरा, 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा, 3060mAh की बैटरी, स्नैपड्रैगन 636 ऑक्टोकोर प्रोसेसर, एंड्रॉयड ओरियो। तो दोस्तों अब मैं बात करने वाला हूँ मेरे फेवरेट फ़ोन, जिसे मैं आपको बोनस के तौर पर बताने वाला हूँ, Realme 2 Pro।
अगर आप इसे 13,999 का खरीद 990 का ख़रीदते हो और HDFC बैंक कार्ड का यूज़ करते हो तो आपको ये 10% कैशबैक पर मिल जाएगा। और दोस्तों इसमें इसकी स्पेसिफिकेशन में पहले भी बता चुका हूँ, ऑनर 9N जो कि मैंने 10,000 से नीचे के बजट में रखा है, वैसे इसकी रियल कीमत 11,999 रुपये है। इसमें स्पेसिफिकेशन 3GB 32GB, एक नॉच डिस्प्ले और 5.84 इंच की डिस्प्ले है वो, 3000mAh की बैटरी, 12+2MP का डुअल रियर कैमरा, फ्रंट में 16MP का कैमरा। आप अगर इसे इस सेल में ख़रीदते हैं तो आपको ये 9,999 का पड़ जाएगा। और प्लस अगर HDFC बैंक कार्ड यूज़ करते हैं, बैंक का डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं तो आपको 10% इंस्टेंट कैशबैक मिल जाएगा। दोस्तों मैंने ये 10,000 से नीचे के बजट में इसलिए रखा क्योंकि इस बजट में बहुत बढ़िया फ़ोन है इस प्राइस में। और दोस्तों अब है मेरे पास ऑनर का 9 Lite। दोस्तों ये जो है आपको दिखा रहा है कि 11,000 रुपये में 32GB 3GB वेरियंट है। अगर इसे आप इस सेल में ख़रीदते हो तो आपको ये 9,999 रुपये का पड़ेगा। और प्लस HDFC बैंक का कार्ड यूज़ करते हो तो आपको 10% इंस्टेंट कैशबैक इस पर भी मिल जाएगा। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ Asus ZENFONE Max M1 Pro, इसका जो मैंने 3GB वेरियंट दिखाया था वो अंडर 10,000 के बजट में 3GB 32GB वाला वेरियंट बहुत परफेक्ट वेरियंट है, बहुत परफेक्ट स्मार्टफोन है। और दोस्तों अब बात करता हूँ मैं Realme 2 के बारे में। Realme 2 10,000 के बजट में बेहतरीन फ़ोन पहले से भी था और अब भी हो है, क्योंकि ये पहले था 9,990 रुपये का, अब है ये 8,990 रुपये का, मतलब 9,000 रुपये का। अगर आप इसे सेल में ख़रीदते हो तो 10% का कैशबैक इस पर भी मिल जाएगा, लगभग 8,000 रुपये का ये फ़ोन आपको पड़ जाएगा। इसमें स्पेसिफिकेशन की बात करें तो डुअल रियर कैमरा 13+2MP के, फ्रंट 8MP कैमरा, 450 स्नैपड्रैगन ऑक्टो कोर प्रोसेसर, 4230mAh की बैटरी, 3GB 32GB मेमोरी रैम रोम और 6.2 इंच की नॉच वाली HD+ डिस्प्ले। दोस्तों अगर आपको 6,000 से नीचे के बजट में स्मार्टफोन ख़रीदना है तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मेरे पास 2-3 स्मार्टफोन मैं दिखा दूं। एक तो है इन्फिनिक्स का स्मार्ट 2, इसमें 2GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी, 13 मेगापिक्सल का रियर कैमरा और फ्रंट का 8 मेगापिक्सल कैमरा, 3050mAh की बैटरी, HD+ डिस्प्ले। और दोस्तों मैं बात करूँ इसमें 6,000 से नीचे के बजट में सबसे बेहतरीन फ़ोन की, तो ये है यू का, जो यू कंपनी है माइक्रोमैक्स की सब ब्रांड यू, उसका यू एस। तो इसमें 2GB 16GB इंटरनल मेमोरी, 5.45 इंच की HD+ डिस्प्ले, 4000mAh की बैटरी, 13 MP रियर कैमरा, फ्रंट का 5 MP विद LED फ्लैश। दोस्तों अब मैं बात करता हूँ पैनासोनिक P91। दोस्तों इसमें 1GB रैम और 16GB इंटरनल मेमोरी है, ये आपको 3,999 का यहाँ दिखा रहा है, और अगर आप इसे उस पर सेल पर परचेज करोगे तो कुल 3,000 रुपये का ही पड़ जाएगा। और दोस्तों मेरे पास इसमें अब बात करता हूँ मैं 7,000 से नीचे के बजट में फ़ोन, तो माइक्रोमैक्स इन्फिनिटी जो कि 7,000 से नीचे के बजट में बेहतरीन फ़ोन है, इस समय 8,490 का दिखा रहा है 3GB 32GB वेरियंट, अगर आप इसे सेल के थ्रू परचेज करोगे तो 6,999 रुपये का पड़ जाएगा। ऐसे ही ZENFONE 3 Max ये आपको 9,999 रुपये का दिखा रहा है, सेल के थ्रू आपको 6,999 रुपये का पड़ जाएगा। इसमें भी 3GB 32GB और 5.5 इंच की Full HD+ डिस्प्ले, 16 MP का रियर कैमरा, 8 MP का फ्रंट कैमरा, 4100mAh की बैटरी, 430 स्नैपड्रैगन ऑक्टो कोर प्रोसेसर। और दोस्तों मैं बात करता हूँ अब कुछ बेहतरीन फ़ोन जो अभी लॉन्च हुआ है हाल ही में, Realme C1। तो दोस्तों 7,000 के बजट में आप Realme C1 बेहतरीन फ़ोन है, जो कि 2GB 32GB रैम रोम के साथ प्लस 6.2 इंच की डिस्प्ले विद नॉच, 4230mAh की बैटरी, डुअल रियर कैमरा, 13+2MP डुअल सिम स्लॉट प्लस एक मेमोरी कार्ड स्लॉट, और डुअल सिम दोनों वोल्टी चलेंगी, 4G वोल्टी, मतलब आप एक साथ 2 जियो की सिम यूज़ कर सकते हो। कलर ऑपरेटिंग सिस्टम स्नैपड्रैगन 450 मतलब 450 स्नैपड्रैगन ऑक्टो कोर प्रोसेसर, फेस अनलॉक, और इसकी जो डिज़ाइन है वो भी बेहतरीन है।
और 4230 mAh की बैटरी के साथ Realme C1 एक दमदार फ़ोन अपने आप को साबित करता है। दोस्तों आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और हाँ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद, जय भारत।